हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका असाइनमेंट नंबर 4.2, जो कि आपके नवोदय का जो चौथा चैप्टर है, उस चौथे चैप्टर का दूसरा असाइनमेंट आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पहला असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे ये असाइनमेंट, और अभी हम ये वाला असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा लेसन है, ओके, ये लेसन है फैक्टर मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका हम करेंगे 4.2। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने है, अ नंबर इज लेस देन 50, इट हैज मल्टीपल ऑफ 7 एंड इट हैज 3 प्राइम फैक्टर, ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, अ नंबर इज लेस देन 50, एक नंबर है जो 50 से छोटा है, कौन सा नंबर है वो हमें नहीं पता, एक नंबर है जो 50 से छोटा है, इट इज मल्टीपल ऑफ 7, वो नंबर 7 के टेबल में आता है और उसके 3 प्राइम फैक्टर है। तो देखो, 14 भी 7 के टेबल में आता है, 42 भी 7 के टेबल में आता है, 49 भी 7 के टेबल में आता है और 35 भी 7 के टेबल में आता है, पर इसके हमें 3 प्राइम फैक्टर चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, इनके फैक्टर निकालते हैं, 14 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, प्राइम फैक्टर, इसके 2 और 7 बनेंगे। इसका प्राइम फैक्टर क्या बन सकता है, 42 का, 42 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2, 3 और 7, ठीक है। देखो, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी फैक्टर है, 2, 3 जा 6, 6, 7 जा 42, ठीक है। उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 7 और 7, इसका प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 3 और 5। तो भाई हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, वो भी 3 प्राइम फैक्टर चाहिए, देखो 1, 2, 3, 3 प्राइम फैक्टर हो गए तो 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिनोटिंग द एज इन ईयर ऑफ टू एडल्ट इज 770, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज इन ईयर। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिनोटिंग द एज, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई, किसी कोई ऐसे नंबर है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, वो उन दोनों की एज को बताता है, ठीक है, डिनोटिंग द एज इन ईयर ऑफ टू एडल्ट, ठीक है, दो लोग है, दो बड़े व्यक्ति है, दो एडल्ट पर्सन है, उन दोनों के एज का, जैसे ये दो एडल्ट है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिनोटिंग द एज, ये जो इन दोनों के, इन दोनों की जो एज होंगी, इस एज के मल्टीप्लाई, इन दोनों की जो भी उम्र होगी उनके उम्र का मल्टीप्लाई ये नंबर बताता है। तो बताओ, अगर उनकी उम्र का मल्टीप्लाई 770 बताता है, तो उनकी उम्र का एडिशन, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज, अगर उनकी एज का प्रोडक्ट 770 है, तो उनकी एज का सम कितना होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन वैसे बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर है बहुत आसान बच्चों, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। चलो बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे ज्यादा खाली जगह की जरूरत नहीं पड़ने वाली वैसे, ठीक है, यहां मैं ले लेता हूं। सबसे पहले तो इस 770 का हम निकालेंगे ये प्राइम फैक्टर, ठीक है, 770 हम यहां लिख लेते हैं, 770 को अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 385, ठीक है। फिर 385 यहां पर लास्ट में 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, यह आएगा 77, और इस 77 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 11, और इस 11 को हम 11 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। तो यहां पर जो नंबर हमें मिलता है वो मिलता है बच्चों 2 × 5 × 7 × 11, ठीक है, ये नंबर हमें मिला, इसको अच्छे से लिख ले जरा, क्या मिलता है हमें, 2 × 5 × 7 × 11, ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 और 5, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बात किसकी की है बच्चों, 2 एडल्ट की, यहां पर देखो 2 एडल्ट है, ठीक है। अब एडल्ट, एडल्ट की एज जो होंगी वो बड़े एडल्ट यानी जवान हो गए, ठीक है, तो 2 × 5 10 साल का बच्चा तो जवान नहीं होगा, 2 × 7 14 साल का बच्चा भी जवान नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 2 × 11 कितना होता है, 22 मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई हमने 11 के साथ किया, 5 × 7 कितना होगा, 35, ठीक है। अब देखो, ये जो फैक्टर है किसके हैं, 770 के हैं,
तो भाई हमने फैक्टर का ही तो आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमें पता है कि 22 एन 35 770 होता है, इनका एडिशन कितना होता है वो देखो, 35 और 22 इसको ऐड करो, 5 और 2 7 और 3 और 2 5 57, क्या 57 हमारे ऑप्शन में है? देखो यस, ऑप्शन सी 57 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी 57 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बस इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये फाइंड आउट करना है एलसीएम, और एलसीएम के हिसाब से जो हमें नंबर्स मिलेंगे प्राइम फैक्टर, उन्हीं प्राइम फैक्टर को अरेंज करके वो प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओके सो नहीं, चलो सो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट डिविजर ऑफ 37, 37 का सबसे छोटा डिविजर कौन सा होगा, 1, 3, 7 या 37? तो देखो जहां पर भी स्मॉलेस्ट डिविजर की बात की जाए, तो बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 1 का टेबल क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 के टेबल में 5 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम, 1, 5 जा 5, समझ में आया? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो 1 से 37 को भी डिवाइड होगा, इसलिए 1 सबसे छोटा नंबर होगा, तो 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, विच इज द ग्रेटेस्ट डिविजर ऑफ 357, विच इज द ग्रेटेस्ट डिविजर ऑफ 357, 357 का जीसीडी क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिविजर, जीसीडी यहां पर पूछा है, ठीक है? तो देखो 357 का सबसे बड़ा डिविजर क्या होगा, ठीक है, दड़ा सबसे बड़ा डिविजर मतलब कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा जो डिवाइड करेगा, 3, 4, 7, 5। देखो जिस तरह से 1 सबको मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डिविजर होता है, 1 सबसे स्मॉलेस्ट डिविजर हो गया, तो ग्रेटेस्ट डिविजर क्या होगा, वही नंबर। क्या 357 को, तो बताइए क्या 357 को 357 से डिवाइड नहीं हो सकता, हो सकता है ना वन टाइम, तो भाई सबसे बड़ा डिविजर क्या हो गया, 357, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 1632 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 1632 को इस तरह प्रोडक्ट में बनाओ, मतलब इस तरह से उसका मल्टीप्लाई करो, इस तरह से उसको नंबर को तोड़ो, ऐसे दो नंबर में इसको तोड़ो, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट सच दैट वन ऑफ द टू नंबर कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मतलब इनको ऐसे तोड़ना है जो इसके बाद वो कभी फैक्टर ना बने, इसके बाद इनका कभी फैक्टर ना बने, ऐसा तोड़ना है, ठीक है। अब इनके फैक्टर ये हो सकते, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होता है, मतलब 1632 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि बाद में उनके फैक्टर ही ना बने। तो देखो 68 इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, तो ये भी टूटता है ये, और आगे दोनों टूटते जाएंगे, ये भी ब्रेकअप होगा, ये भी ब्रेकअप होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 34 और 48 दोनों इवन नंबर है, ये दोनों आगे और ब्रेकअप हो सकते हैं, 17 into 2, और ये हो सकता है 24 into 2, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आई, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, पर ये 17 के टेबल में आता है, और ये 32 16 के टेबल में आता है, मतलब ये और जाके आगे टूट सकते हैं, पर 17 जो है ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ये तो ब्रेक होगा पर ये ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब ये आगे ब्रेक नहीं होंगे, ब्रेक होंगे तो दोनों ब्रेक होने चाहिए, किसी एक के ब्रेक होने से काम नहीं चलेगा, तो ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 6 देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर 110 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 110 बाय, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 110 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 110 बाय। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, भाई पूछा है 110 ये जो नंबर है, ठीक है, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है, अब फैक्टर जो होंगे वो प्राइम भी होंगे और नॉन प्राइम भी होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर 110 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 110, तो 110 के फैक्टर कितने हैं, सबसे पहले वो दिखाओ, 110 के फैक्टर जितने भी होंगे उन टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर कितने हैं, और प्राइम फैक्टर और जो फैक्टर नॉन प्राइम फैक्टर है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो
तो सबसे पहले 110 के अगर हम फैक्टर देखें तो 110 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 और 110। ये इतने फैक्टर है, इतने ऐसे नंबर है जिससे 110 को डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें अगर प्राइम फैक्टर देखें हम तो 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1 और 1, मतलब 2 प्राइम फैक्टर है। और नॉन प्राइम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भाई, 10 इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, फैक्टर को हम ऐसे निकालेंगे जैसे 110 के फैक्टर है 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110, यू गिव मी नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर है हमारे पास 1, 2 और 11 भी है, 3, तो 8 में से अगर हम 3 माइनस करें तो कितना आता है 5, तो आंसर यहां पर होगा सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब सेवेंथ वाला सॉल्व करते हैं, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द फैक्टर ऑफ 60 आर, 60 के फैक्टर कौन कौन से है, तो भाई सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ा नंबर है उसी की तरफ फोकस करते हैं, भाई 1 से भी डिवाइड होगा, 62 से भी डिवाइड होगा, 6 प्लस 0 6 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 10 से भी होता है, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 24 3 जा 60, 32 जा 60, 61 जा 60, तो ये है 60 के सारे फैक्टर, द प्राइम फैक्टर ऑफ 60, 60 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर भी ये सब आ गए, नॉन प्राइम नंबर भी आ गए, ये भी नॉन प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर तो ये हुए नहीं, इसमें भी नॉन प्राइम नंबर आ गए ये, तो ये भी प्राइम फैक्टर हुए नहीं, ये है प्राइम फैक्टर। तो एक बार चेक कर ले, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से बच्चों हमें असाइनमेंट 4.2 करना था, और असाइनमेंट 4.2 के साथ ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 यही पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे नंबर के। आई होप दैट इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, इसलिए स्पेशल मुझे पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसे सॉल्व करने की। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करो ताकि सारे बच्चे भी नवोदय के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके पास हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।